हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में एक कैंटर चालक को जिंदा जलाकर मार दिया गया है। चालक का शव कैंटर के अंदर ही जली हालत में मिला है। इतना ही नहीं, कैंटर को भी जलाकर राख कर दिया गया है। बादली थाना पुलिस ने कैंटर मालिक की शिकायत पर हत्या और सबूत मिटाने का केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम होगा। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के रहने वाले मुकेश बहादुरगढ़ में ट्रांसपोर्टर फूल कुमार का कैंटर चलाते थे। गुरुवार को वो दिल्ली के छतरपुर इलाके से कैंटर में कांच का सामान लेकर बहादुरगढ़ के लिए चले थे, लेकिन जहां सामान पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाया। इधर शाम को बादली थाना पुलिस को सूचना मिली कि कुंडली मानेसर अलवल एक्सप्रेसवे पर माजरी गांव के खेतों में एक जला हुआ कैंटर खड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो उसके अंदर चालक की सीट पर किसी शख्स की जली हुई लाश मिली। पुलिस ने कैंटर के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मालिक का पता किया है। जानकारी मिलते ही मालिक फूल कुमार मौके पर पहुंचे। फूल कुमार ने पुलिस को दर्ज कराई शिकायत में बताया कि मुकेश कुमार को किसी ने जिंदा जलाकर मारा है और सबूत मिटाने के लिए उसके शव के साथ ही कैंटर को जला दिया है। बादली थाना पुलिस ने अज्ञात पर हत्या और सबूत मिटाने का केस दर्ज कर लिया है।